मैं खुद एक मुरादनगर छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उसमें कोई मुझे शर्म वाली बात नहीं। आई ऑलवेज फील प्राउड कि मैं जब ये बोलती हूँ तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी ने यू नो यू टर्न ले लिया कि ऐसे तो गलिया में कभी। सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आप सबकी हेमा, आपकी प्यारी हेमा शर्मा, और आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो दोस्तों, आज मैंने ये नहीं बोला है हाँ जी दोस्तों क्या हाल चाल है बढ़िया, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि ये थोड़ा सा गवारपन जैसा लगता है, कि मतलब इट साउंड्स लाइक है कि मैं गवार हूँ। बात मैं करने जा रही हूँ कि जो रेडियो मैंने खरीदी थी सिर्फ गाने सुनने के लिए, उसी पे मैंने अपना इंटरव्यू सुना। वो बात कब की है और कहाँ है वो रेडियो, उससे रिलेटेड सारी बातें बताऊंगी। लेकिन आज है संडे और आज मैं हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, बड़ा और छोटा, ये। और एकांश की अगर हम बात करें तो एकांश आजकल मम्मा बोलता है, मम्मा, माँ, माँ। और दोस्तों, ये सभी को माँ बोलता है, यश को भी माँ बोलता है, इवन ये अपने पापा को भी माँ बोलता है। तो आपको मेरी आज की स्टार्टिंग कैसी लगी बताइएगा जरूर मेरे अंदाज में मेरे दोस्तों। तो यश, आपके एग्जाम चल रहे हैं, कितनी पढ़ाई करते हो आप? करता हूँ जितनी कर लीजिए। वैसे यश बहुत कम पढ़ाई करता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो दोस्तों मैं पढ़ाई बहुत किया करती थी बिना मेरे माँ बाप के कहे। अपना अपना नेचर होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि तेरी मम्मी बहुत पढ़ती थी तो तू क्यों नहीं पढ़ता है, नहीं। मैं जो करती थी वो ये करे ये पॉसिबल नहीं है, और ये जो कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ, नॉट पॉसिबल। तो हर इंसान का, हर बच्चे का एक अपना अपना इंटरेस्ट होता है, नेचर होता है, और जो है माइंड होता है किसको किस चीज में इंटरेस्ट है। आज मैंने अपने जो काम वाली है उसको भी नहीं बुलाई हूँ, मैं ही आज घर का सब कुछ काम करूंगी और आज फुल डे मैं स्पेंड करने वाली हूँ एकांश के साथ, यश के साथ। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो वीडियो, नॉट वीडियो वाली, रेडियो वाली बात। यश रेडियो लेकर आओ, अभी इधर ही रखी है। तो आज वो रेडियो जब मैंने देखी तो मुझे लगा इतनी खास बात क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो कहानी है ये किसी और की नहीं है, मेरी है। तो आप लोगों को जानकर इसके बारे में अच्छा ही लगेगा। ये दोस्तों, ये नहीं, यश टेबल पर रखी, दिस इज सारे गामा। दोस्तों, रेडियो वो रेडियो जो पुराने जमाने में सुना करते थे और आजकल तो उनको कोई जानता भी नहीं है। तो वो रेडियो मैंने खरीदी थी अलीगढ़ में, और मैं थी उस वक्त जो है 2022 की बात है, ये आप देखिए, ये 2022 की बात है। ये रेडियो मैंने अलीगढ़ शहर में खरीदी थी, और क्योंकि मैं वहां रह रही थी, आई वॉज प्रेग्नेंट, तो मुझे बहुत लोनलीनेस लगता था, ऐसा लगता था। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं उस वक्त बड़ा म्यूजिक सुना करती थी, आजकल तो बहुत ही कम कर दिया है, मतलब कि 6 महीने हो गए मैंने कोई म्यूजिक ही नहीं सुना है, कोई लेटेस्ट सॉन्ग नहीं सुनती। तो एनीवेज हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैंने रेडियो खरीदी थी दोस्तों, जब मैंने मंगाई थी तो लोग हंस रहे थे कि यार रेडियो, मतलब आजकल तो फोन में ऐप आ जाते हैं, आप रेडियो मंगा रहे हो, रेडियो कौन सुनता है आजकल। रेडियो की अगर बात करूं तो सेम रेडियो मैंने अपने फादर को गिफ्ट की थी, मेरे पापा जो रामगोपाल शर्मा थे उनको मैंने दी थी, और वो भी बहुत अकेलापन महसूस करते थे परिवार होने के बावजूद भी, तो मैंने उनको दी थी। और वो रेडियो को दोस्तों, कुछ ऊपर आया है मैसेज, इंटरव्यू, ओके वो बाद में देखेंगे, मैसेज आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, आप लोगों को पता है। तो यश के साथ शेयर करते हैं क्योंकि इसको भी पता होना चाहिए। आपके जो नाना जी थे उनको मैंने रेडियो गिफ्ट की थी, जब उन्होंने मुझे बोला हेमा मेरे से कोई बात नहीं करता है, क्योंकि मेरे पापा को ऊंचा सुनाई दिया करता था, वो थोड़े से बहरे थे, तो उसकी वजह से जब कोई इंसान को ऊंचा सुनाई देता है, बहरा होता है, तो हर इंसान उससे बात करना कम पसंद करता है, क्योंकि उसको चिल्ला के बात करना पड़ता है। तो मेरे पापा के साथ भी सेम था, तो इसलिए मैंने सोचा और जो है विचार करके उनको रेडियो दी। वो रेडियो उनकी जिंदगी बन गई दोस्तों। सुबह 3 बजे वो भक्ति सागर सुनते थे, सारी न्यूज सुनते थे, सारी न्यूज से वो अवेयर रहते थे, और वो रेडियो को ऐसे लेके घूमते थे जैसे उनका वो साथी है। बाहर जाते थे खटोले पे वो रेडियो रखते थे, अंदर आते थे खटोले पे, बेड पे वो रेडियो रखते थे। तो वही पापा की याद में मैंने ये रेडियो खरीदी, और दोस्तों फिर यही रेडियो पे मेरा इंटरव्यू आया। वो कौन सा इंटरव्यू था, क्या क्या मैंने बोला, वो आप पहले सुनिए। आपकी हेमा शर्मा जी से, हेमा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है एफएम तड़का पर, और आपको आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं सभी जो इस रेडियो को डेली सुनते हैं, जो इस रेडियो को प्यार करते हैं, मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, फॉर योर लव, फॉर योर वार्म वेलकम। थैंक यू, वेलकम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, जिसमें आपकी एक वो वीडियो है जो मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, और कार चलाते हुए आपकी एक वीडियो देखी, साथ में एक वीडियो देखी जिसमें आपने एक लड़की के साथ वीडियो बनाई जो बाइक रिपेयर कर रही थी, पंक्चर बना रही थी, और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बस स्टॉप की वीडियोस देखी, और हर वीडियो में आपके एक नया चार्म, एक नया लुक, एक नई एनर्जी, एक नया स्टाइल, और सबसे बड़ी बात की हर वीडियो में एक मैसेज देखने को मिला, मैसेज सुनने को मिला, तो कैसे पॉसिबल हो पाता है ये सब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानकर, ये सुनकर खुश हूँ और हैरान भी हूँ कि आपने मेरी एक एक रील का पोस्टमार्टम किया है, छानबीन की है, इंटरव्यू सुना। वो रेडियो मेरे पापा की आज भी ऐसी रखी है, वो रेडियो जब मेरे पापा बजाते थे तो मेरी मम्मी को इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी जब पापा नहीं है तो मेरी मम्मी ने वो रेडियो ऐसे संभाल के रखी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इससे क्या सीखा कि जिस चीज पे लोग मेरे हंस रहे थे उसी रेडियो के अंदर मेरा इंटरव्यू आया। तो ये रेडियो जो है ऊपर वाले ने मुझे इसलिए खरीदवाई थी कि मेरा इसमें इंटरव्यू आए। तो कभी भी जो चीज आप करते हैं, जो चीज आप खरीदते हैं, वो आप नहीं खरीदते, ऊपर वाला खरीदवाता है, क्योंकि उससे आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो ये मेरे जीवन की कहानी है जो मैंने ये भी जी है, हेमा की कहानी का एक ये भी हिस्सा है। और बहुत लोग हंसे थे कि अरे यार, रेडियो रेडियो कौन सुनता है, आजकल तो सारे गामा सुनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे रेडियो चाहिए, और ये रेडियो मैं अलीगढ़ से उठा के लेके आई कि मैं कहीं पर भी रहूंगी तो कम से कम ये सेल इसमें नहीं है, क्योंकि इधर उधर चले जाते हैं, बट रेडियो इज एक्टिव। और तो दोस्तों, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को मेरी ये रेडियो वाली बात के बारे में जानकर कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कितना आप यकीन करते हैं कि हेमा जी जो कहती है? ये देखिए मम्मा, मम्मा। अब ये जब मुझे मम्मा बुलाते हैं तो मुझे लगता है वाह क्या बात है, मेरा प्यारा बेटा। एक्चुअली ये नीचे जाना चाहता है। हाँ हाँ, चलो आज आज। तो ये वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है जब छोटा बच्चा आपको बोलता है मम्मा मम्मा। तो और एक जाते जाते बात और कहना चाहती हूँ, जो मेरी प्यारी सहेलियां हैं, अगर उनको लगता है वाह हेमा दीदी, हेमा दीदी की तो जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल आप जैसा ही है, साधारण सा, लेकिन मैं कोशिश, हो सकता है आपसे थोड़ी ज्यादा करती होंगी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जो चीजें मैं नहीं कहती हूँ, इसका मतलब नहीं है मेरे साथ नहीं हो रही है। मैं अपने आप से मेरे जीवन में डेली संघर्ष करती हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और मैं करती रहूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस है, क्योंकि आपको जीवन में सुकून आपकी कामयाबी से ही मिल सकता है। तो मैं अपने सुकून के लिए कामयाबी कर रही हूँ, बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं। तो बाकी तो अपना ख्याल रखिए। यश, यश की कंप्लेन रहती है, मम्मी आप मुझे इतना क्यों बोलती हो। देखिए दोस्तों, यश अगर कुछ गलत करेगा तो उसका भी ठेका मेरे ऊपर आएगा, अच्छा करेगा तो शायद ही कोई बोलेगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये भी सुनने के लिए मिले कि माँ तो लगी थी वीडियो बनाने में और बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और दो बच्चों की माँ होने के बाद जो है इसको चढ़ी है, पड़ी है जो है करियर बनाने के लिए, ये घंटा करियर बनाएगी। तो दोस्तों सुन लो, ये हेमा बनाएगी, और अब मैं उस मुकाम पे आज पहुंची हूँ कि अब मैं यहाँ से अगर लौटी तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ औरत, पागल औरत कोई नहीं होगी। तो अब मैं लौटना नहीं चाहती, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं पीछे देखना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आगे देखना चाहती हूँ। लगता है हेमा दीदी कुछ नहीं करती होंगी खाने से बना के। दोस्तों समय समय पे जो करना पड़ता है वो मैं सब करती हूँ, खाना बनाने का टाइम होता है तो खाना बनाती हूँ, पोछा लगाने का अगर टाइम होता है, अगर काम वाली नहीं आ रही है तो मैं वो भी लगाती हूँ, टॉयलेट अगर धोना है तो मैं वो भी धोती हूँ। तो ये मैं आज आपको बता देती हूँ कि आई डू एवरीथिंग अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन, कि जो भी है तो मैं हर उस रंग में ढल जाती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जीवन को बेहतर बनाइए। हाँ सच है, अपनों के साथ रहिए, बिना अपनों के कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने साथ रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय 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 बाय।